अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में बनाने जा रहे हैं जी पोस्टर लोगो डिज़ाइन। तो सबसे पहले हमने पिक्सल लैब ओपन कर लेनी है, उसके बाद टेक्स्ट को रिमूव करने के बाद ये देखें हमने कलर में आ जाना है। बैकग्राउंड कलर यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं, देखें वाइट। उसके बाद जी ये देखें दूसरे पॉइंट को हम थोड़ा सा डार्क रखेंगे, ये देखें इस तरह से, ताकि कुछ इस तरह का बैकग्राउंड हमारा बन जाए। तो ये देखें इस तरह से बैकग्राउंड बनाने के बाद जी हमने पिक्चर इम्पोर्ट करनी है यहाँ से जाकर। तो ये जो हमने PNG पिक्चर्स डाउनलोड करी होंगी वो हम यहाँ से गैलरी से सेलेक्ट कर लेंगे। ये देखें गैलरी हमारी ओपन हो गई, और यहाँ से ये बाबर आजम की पिक्चर मैं उठा रहा हूँ यहाँ पर क्रॉप करके। ये देखें इस तरह से हमें इतनी ही चाहिए। तो इसको सबसे पहले तो सेट कर देते हैं, उसके बाद इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी डाउन कर देते हैं 50 के पास। उसके बाद जी ये जो ऑप्शन एम्बॉस वाला, इसको भी ऑन कर देंगे। ये देखें उसके बाद इस तरह सा इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद जी दोबारा से हम दूसरी पिक्चर करेंगे इम्पोर्ट। ये देखें ये जो फुल पिक्चर है इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, और यहाँ पर इसके साथ जी अटैच कर लेते हैं। ये देखें इस तरह से, और इसको भी थोड़ा सा छोटा करके नीचे लेकर जाते हैं, और इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। ये देखें इस तरह से। ये इस तरह से रखने के बाद जी दोबारा से हम एक टेक्स्ट ऐड करेंगे इनके लिए। ये देखिए मैं इनके लिए टेक्स्ट ऐड करने लगा हूँ। अब यहाँ से अब जो शर्ट का नंबर है बाबर की वो हम टाइप करेंगे 56। तो इसको भी हम सेट कर देते हैं यहाँ पर। इसको बड़ा करने के बाद जी इसका कलर हम सबसे पहले सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर मैं इसका कलर रख देता हूँ जी ग्रीन। यहाँ पर कस्टम से मैं जाकर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद इसको डन कर देते हैं। तो इस तरह का इंटरफेस आया। उसके बाद जी इसके लिए हम एक अच्छा सा फॉन्ट भी लगा लेंगे। तो यहाँ से मैं ये जो ख़त अरबी है वो सेलेक्ट कर रहा हूँ, और उसके बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। उसके बाद जी इसको हम बैक लेकर जाते हैं जो ये फुल पिक है उसके नीचे। तो इसके बाद दोबारा से हम इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ पर, ये देखें इस तरह से। उसके बाद इसको एडिट कर देते हैं, यहाँ पर टाइप कर देते हैं बाबर आजम। ये देखें जी ये हमारा टेक्स्ट ऐड हो गया। उसके बाद इसको छोटा कर लेते हैं सबसे पहले, तो क्योंकि ये हमने कॉपी की हुई थी तो ये बड़ी आ गई, तो हम इसको सबसे पहले छोटा कर लेते हैं। उसके बाद जी ये देखें इस तरह का इंटरफेस आया। उसके बाद हम इसको स्पेसिंग थोड़ी सी कम कर देते हैं यहाँ पर, ये देखें इस तरह से। उसके बाद जी हम इसके लिए अच्छा सा एक फॉन्ट लगाएंगे। तो ये रहा हमारा फॉन्ट ऑप्शन। यहाँ से मैं कस्टम में जाकर जी ये वाला लगा रहा हूँ, कौन सा है ये वाला, यूनिवर्सल सर। तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। दोबारा से हम स्पेसिंग में जाकर इसकी सेटिंग कर लेंगे। ये देखें इस तरह का आ गया। उसके बाद थोड़ा सा छोटा करके इसके साथ यहाँ पर हम लगा देंगे, ये देखें इस तरह। दोबारा से जी हम इसको भी पिक्चर के नीचे लेकर जाएंगे टेक्स्ट को, ये देखें इस तरह से। ये हमारा टेक्स्ट भी पिक्चर के नीचे आ गया। उसके बाद हमने फ्लैग ऐड करना है जी पाकिस्तान का। दोबारा से हमने गैलरी ओपन की, और यहाँ पर मैंने डाउनलोड करके रखा था, तो इसको हम इम्पोर्ट कर देते हैं, और इसको थोड़ा सा छोटा करने के बाद इसके साथ इस तरह से लगा देते हैं, ये देखें जी। उसके बाद इसको भी हम पिक्चर के नीचे रखेंगे, ये देखें इस तरह से। उसके बाद थोड़ी सी और सेटिंग रहती है तो हम वो करेंगे। तो उसके बाद जी हमारी इमेज बनकर तैयार हो जाएगी। ये जो इनर शेडो का ऑप्शन है वो हम ऑन कर देते हैं टेक्स्ट में, ये देखें जी। दोबारा से बाबर आजम जो लिखा था उसका भी ऑन कर देंगे। तो ये कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। दोबारा से हम जी फ्लैग में भी यही ऐड कर देते हैं, ये देखें जी फ्लैग में भी ऐड कर दिया हमने। उसके बाद जी जो हमने बैक पिक्चर रखी हुई है बाबर आजम की, उसमें स्ट्रोक देंगे वाइट, ये देखें जी। ये इस तरह की पिक्चर हमारी बनकर तैयार हो गई जी। ये हमारा लोगो बिल्कुल ही तैयार है। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल विज़िट करें। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक लाजमी करें।